एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। हमेशा की तरह आज भी मैं एक रायता लेकर आई हूँ, वो है लहसुनी रायता। शायद आपने ना खाया हो। ये देखिए, पहले मैंने 300 ml के करीब कर्ड को ऐसे फेंट लिया है। थोड़ा थिक कर्ड है, बिल्कुल इसके लम्स खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद मैंने ये 19 ग्राम बैठता है, वैसे 20 से 25 छोटी बड़ी कलियां हैं, उनको साफ कर लिया है। दो कली को मैंने बारीक काट लिया है। चार लाल मिर्च सूखी को हमने पानी में भिगो के रख दिया था 15-20 मिनट पहले, और नमक। बस इसके साथ ही हम ये अच्छा सा रायता बनाना तैयार करते हैं। और ये जो चिली है ना, इनके हमने सीड निकाल लिए हैं ताकि वो सीड उसमें रायते में ना आए, तो इसको पूरा निकाल लिया है। लहसुन डाल देंगे और थोड़ा सा तेज नमक, पूरे रायते के लिए जितना चाहिए उतना हम इसमें नमक डाल देंगे। बाकी आप टेस्ट के हिसाब से बाद में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा हम अलग से इसमें दही डालेंगे, दही के साथ हमें इसे फेंटना है। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो देखिए, दो बड़े चम्मच दही डालिए और ये इस तरह से हो गया है, सीड नहीं है बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है। अब हम इसको दही में डालेंगे, तो इस दही में हम इसको मिक्स कर देंगे। तो अब हम ये इसमें डाल देंगे जो मिक्सर है, और इसको मिलाएंगे अच्छे से। ये इतना चटपटा रायता बनेगा ना कि आप खाते रह जाएंगे पराठे पूड़ी के साथ, कलर अलग। ये देखिए, और यहाँ पे ना आप टेस्ट करके देख लें, पूरा अच्छे से मिक्स करके टेस्ट करके देख लें। अगर नमक कम ज्यादा है तो ज्यादा कर सक मतलब डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हम मिक्सी में से भी थोड़ा सा धो के निकाल लेते हैं। तो पानी हमने डाल दिया है जरा सा ही बिल्कुल लेकर, ताकि मिक्सी साफ हो जाए, और थोड़ा हमें नमक कम लगा है, नमक डाल दिया है। इसको करते हैं मिक्स। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितना बढ़िया ये रायता है। प्लेटिंग करते हैं इसकी। ये तड़का पैन में हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हम ये कटा हुआ लहसुन डालेंगे। बस ये देखिए, इसका हल्का सा फ्लेवर ही चेंज हो, बहुत ज्यादा ब्राउन ना हो, ये हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और थोड़ा सा डालते हैं इसमें रेड चिली पिंच, और इस तड़के को डालते हैं रायते पे। और ये देखिए, बहुत ही यम्मी ये तड़का तैयार है, रायता तैयार है, लहसुन की खुशबू है। देखिए, कुछ भी लिखने से पहले ना आप ये जरूर करिएगा कि एक बार बनाकर देखिए, क्योंकि अगर आप बनाकर नहीं देखेंगे ना तो फिर पता नहीं चलेगा। तो स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा रेड चिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।